हेलो बच्चों, आज हम लोग केवल इतना ही देखेंगे कि लेटर्स का, किसी भी वर्ड का, ठीक है, कि हम रैंक कैसे निकालते हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है कि मदर डिक्शनरी में किस नंबर पे होगा और क्वीन किस नंबर पे होगा, ठीक है ना। इसका तरीका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या होता है, लेटर्स का रैंक लिख दो, ठीक। लेटर्स का रैंक लिखने का मतलब कि अल्फ़ाबेट में, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट आपका ए बी सी डी या जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एस वाई जेड होता है, ठीक है, उसमें आपका किस किस नंबर पे, मतलब इसके इस लेटर्स के हिसाब से कौन सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, उसके हिसाब से हमने नंबरिंग की है। ई पहले पे, एच दूसरे पे, एम तीसरे पे, ओ चौथे पे, ठीक। इसके हिसाब से हमने इसकी रैंक डिसाइड कर दी। उसके बाद क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस साइड से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यम, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे, ठीक है। हम नंबर कैसा लिखेंगे, यहाँ पे हमको एक ऐसा नंबर लिखना है, क्या करके देखना है। सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि इससे राइट साइड में कितने लेटर ऐसे हैं जिसका रैंक इससे कम है, ठीक है। इसके राइट साइड में कितने लेटर ऐसे हैं जिसका रैंक इससे कम है, तो थ्री से कम कितना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे, ठीक है भैया। अच्छा, ओ को देखो, ओ के इधर देखो कितने लेटर ऐसे हैं जिसके रैंक इससे कम है, तो ये दो है, तो यहाँ भी टू लिख देंगे। टी के इस साइड कितने हैं, एक दो तीन, इसका पांच है, इसका एक, इसका दो, इसका छह है, तो इससे कम वाले कितने हैं, तीन है, तो तीन लिख देंगे। इसके इधर देखोगे तो केवल एक है, केवल वन, इसके इधर है ही नहीं, इसके इधर भी नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो ये नंबर हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना बिल्कुल भी, आपको बस ऐसे लिखना है, जीरो फैक्टोरियल, ठीक है, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल और फाइव फैक्टोरियल, ठीक है। और आपको इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ये ट्रिक है, आप ये मत पूछेगा कि ये हमने कैसे लिखा है, ठीक है ना। तो ये क्या कर देंगे, टू इंटू फाइव फैक्टोरियल प्लस टू इंटू फोर फैक्टोरियल प्लस थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल प्लस वन इंटू टू फैक्टोरियल प्लस जीरो इंटू जीरो इंटू वन फैक्टोरियल प्लस जीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। और इसमें क्या ऐड कर देना है, प्लस वन, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, मदर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी इसमें वर्ड हैं उसको अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग कर देनी है। उसके बाद यम से स्टार्ट करना है, यम के इधर इससे कम रैंक वाला जितना है उसके नीचे उतना नंबर लिखना है, ठीक। इसके इधर भी उतना ही, जितने नंबर हैं उससे कम वाले उसका रैंक लिख देना है, मतलब उतना लिख देना है, उतने लेटर लिख देने हैं, सॉरी वर्ड अक्षर लिख नंबर लिख देना है, ठीक है। अच्छा जी, इसको हमको क्या करना है, उस फिर उल्टे साइड से जीरो वन टू फोर थ्री फोर फाइव तक फैक्टोरियल लिख देना है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, उसमें वन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन क्यों लिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि आप देख रहे पा रहे होंगे कि मदर में ऐसा कोई भी लेटर नहीं है, ठीक है ना। मदर वाले में ऐसा कोई भी लेटर नहीं है, ठीक, जो रिपीट हुआ था, लेकिन क्वीन वाले में ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे देखो रिपीट है, तो यहाँ कैसे करेंगे सर, फिर से स्टार्ट करेंगे क्वी से, क्यू से, इधर कितने ऐसे लेटर हैं जिसका रैंक क्यू वाले से कम है, तो एक दो तीन, कितने हैं, तीन। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ई वाला दो बार रिपीट हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसा कि आप पहले करते थे, ठीक है बच्चा, ठीक। अच्छा, यू, यू के इधर कितने लेटर इससे कम वाले हैं, तीन है, फिर से लेकिन टू का डिवाइड, क्योंकि टू ई पे यहाँ पे क्या है, रिपीट हो रहा है, ठीक है बच्चा। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, ई के नीचे, ई के इधर कितना है कम वाला, कम वाला कुछ है नहीं है, जीरो। लेकिन लेकिन रिपीट वाले में अगर लिखना होगा तो इसके इधर कितने ऐसे लेटर हैं जो ई दो बार आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि जब भी रिपीटेशन वाले से डिवाइड करना होगा तो हम इस वाले ई को भी काउंट करेंगे, और यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, टू फैक्टोरियल से, ठीक। हालांकि इसके इधर केवल एक ही ई है, लेकिन इस वाले ई को भी इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है बच्चा। इसके इधर कुछ नहीं है, इसके इधर भी कुछ नहीं है, ठीक। फिर वही काम, जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल और फोर फैक्टोरियल, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देना है, और बाद में क्या ऐड करना है, वन, जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, क्योंकि इधर हमने देखा कि एक दो तीन ऐसे लेटर हैं, ठीक है, जिसका रैंक क्यू वाले से कम था, ठीक। और टू फैक्टोरियल से डिवाइड करने का मतलब है कि दो बार एक लेटर रिपीट हो रहा है, तो टू फैक्टोरियल से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। उसी तरह इसमें किया है, टू फैक्टोरियल से डिवाइड, उसी तरह इसमें किया है। इसमें इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा था, क्यों, क्योंकि ई वाला इसके तरफ, इसके इस राइट साइड में केवल वन है, ठीक है, लेकिन हमको क्या काउंट करना है, टू। समझ में आया, समझ में आया। ये आपका छोटा सा ट्रिक था, छोटा सा वीडियो आपके लिए, बच्चों के लिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, नए फन फैक्ट के साथ आया हूं मैं, और नया फन फैक्ट रिलेटेड है एक वायरस से जिसको नाम दिया गया है वायरोवोर। क्या नाम दिया गया है, वायरोवोर।
भूर क्यों नाम दिया, क्योंकि एक वायरस को ही खाता है। किसको खाएगा? वायरस को ही खाएगा। अभी रिसर्चर्स कुछ हाल ही में क्लेम किए हैं ऐसा कि एक ऐसा वायरस है जो जीनस हाल्टेरिया से बिलोंग करता है, एक ऐसी स्पीसीज है, और माइक्रोस्कोपिक सीलिएटेड होती, सीलिया पाई जाती है, जैसे उसमें पैरामीशियम में पाई जाती है, और फ्रेश वाटर में रहता है। किस पे ग्रो करेगा? फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर में ही ग्रो करने वाले एक ऐसे वायरस को खाएगा जिसका नाम है क्लोरो वायरस। ठीक है, तो अगर देखें रिसर्च आगे अगर की जाएगी तो ये हमारे लिए कुछ फायदेमंद भी साबित हो सकता है। धन्यवाद।